हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के मेरे नए व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज वेनसडे है और सुबह के 10 बज चुके हैं। आप देख सकते हो अभी मैं राइड पे निकला हूँ। दो दिन से मैं अपने पर्सनल काम में बिजी था और इसके वजह से गाड़ी पे नहीं जा पाया। कल मम्मी को मैंने हॉस्पिटल लेके गया, हॉस्पिटल से फिर घर पे लाने के टाइम बहुत सारा टाइम चला गया था और उसके तबीयत को भी संभालना था, उसके साथ मुझे रहना था, तो मैं कल गाड़ी नहीं निकल पाया। तो आज मैं निकला हूँ और अपना व्लॉग शुरू कर रहा हूँ। तो आज मैंने एक नया प्लान बनाया है कि देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने चैनल के साथ कैसा लगता है, क्योंकि पूरा दिन मेरे पास होता है और इस पूरे दिन में एक एक या दो दो घंटे मैं रेस्ट करता हूँ। तो उस रेस्ट के बीच में जो भी आज वीडियो मैं शूट करूँगा वो 3 पार्ट में कन्वर्ट करके आपके पास आ जाएगा। तो 3-3 4-4 घंटे के बाद मेरा एक एक वीडियो आने वाला है, जो आप देख लेना। उससे क्या होगा कि मेरे कि आपको रोज का, जैसे मैं आप भी काम कर रहा हूँ तो एक घंटे के बाद कितना अर्निंग हुआ, दो घंटे के बाद कितना अर्निंग हुआ, दोपहर तक कितना हुआ, शाम को कितना हुआ, रात को कितना हो, वो सेम डे आपको पता चलेगा। क्योंकि मेरे पास टाइम है, जो मैं एक घंटा थोड़ा गाड़ी चलाने का ब्रेक करता हूँ उसमें एडिट करूंगा, उसमें रिलीज कर दूंगा, तो उससे आपको डेली का डेली कितना अर्निंग हुआ आज वो आपको पता चलेगा। और ये आपको 2-3-3-4-4 घंटे के बाद एक एक वीडियो आते रहेगा। एक्सपेरिमेंट क्यों करना चाहता हूँ, जैसे मैं अभी मेरे वीडियो रिलीज करता हूँ तो मेरे वीडियो को ज़्यादा व्यूज नहीं आते हैं। क्यों आते नहीं पता नहीं है, आपको मेरा वीडियो पसंद नहीं आता होगा, आपको मेरा बात करने का ढंग पसंद नहीं आता रहेगा, या फिर जो भी मैं बताता हूँ वो आपको फेक लगता रहेगा, या फिर उसको इंटरेस्ट आप में जगता नहीं रहेगा काम करने का। तो उसके मैंने डिसाइड किया है, एक छोटा सा ऐसे पार्ट में वीडियो बना के आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। अगर आपको अगर मेरा वीडियो पसंद नहीं आ रहा है तो नॉट लाइक करके भी आप डाल सकते हो, और जिसको पसंद आया लाइक कमेंट में लाइक करके अच्छा नाइस वीडियो करके भी डाल सकते हो, या फिर आप थम मतलब लाइक का बटन दबा के आप आगे बढ़ जा सकते हो। तो आप मुझे पता चलेगा कि आपको लाइक पसंद आए तो मेरा मोटिवेशन भी बढ़ता रहेगा और काम करने के लिए एक नया जोश तैयार होता रहेगा। मैं पिछले एक साल से वीडियो बना रहा हूँ, अभी ये मेरा 399वां वीडियो है, 299 पूरा वीडियो कंप्लीट होगा, तो ये आज का होगा, कल जो होगा 300 हो जाएगा। मतलब आज का जो भी मैं पकड़ूंगा वो 299 ही पकड़ूंगा, उसके ऊपर नहीं पकड़ूंगा, क्योंकि दिन में एक ही वीडियो मतलब आप देख पाओगे तो उसको मैं 299 ही वीडियो बोलूंगा, ना 300 वाला बोलूंगा। जो कल आएगा वीडियो वो 300 वाला होगा। तो ठीक है, आज का काम मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ, तो जुड़े रहना, अगले पॉइंट पे जाके आपसे मिलता हूँ। ठीक है, जो भी है आपको अपडेट मिलता रहेगा, आधे घंटे के बाद, 2-3-4 घंटे के बाद जो भी आपके पास अपडेट आता रहेगा। चलो चलते अगले राउंड पे और बताते हैं अगला डेस्टिनेशन कौन सा है और अगले डेस्टिनेशन में कितना अर्निंग हुआ। तो जुड़े रहना मेरे ब्लॉग के साथ और एक के पीछे एक वीडियो 3-3-4-4 घंटे के बाद आपको मिलते रहेंगे। और आपको ये मेरा एक्सपेरिमेंट पसंद आया रहेगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अभी पिकअप पॉइंट पे पहुंचा रहा हूँ और नज़दीक से पिकअप पॉइंट है, ज़्यादा दूर नहीं है, 2 किलोमीटर से पिकअप है और सीबीटी बेलापुर की बुकिंग लगी है। कैश पेमेंट दिख रहा है। दो दिन संडे को जो मैंने स्टार्ट किया था ना, तभी भी मैंने पहला बुकिंग ड्रॉप किया था पैसेंजर को, वो भी सीबीटी बेलापुर का ही था। और अभी भी सीबीटी बेलापुर में पैसेंजर को ड्रॉप करना है, अब तो चला जा रहा हूँ पैसेंजर के पिकअप पॉइंट पे और देखते हैं आज का अर्निंग कितना हो पाएगा। और वीडियो आप देखते रहना, थोड़े देर के बाद आपको ये वीडियो मिल जाएगा। चलो चलते हैं पैसेंजर को पिकअप करते हैं। अभी मैं बेलापुर पहुंच चुका हूँ, अभी ये बेलापुर में हूँ। 11 किलोमीटर का राइड था और बिल जो बना है 354 रुपीज का बिल बना है और मुझे 262 रुपीज दिया गया है। तो ये ऐसा कुछ एरिया है, आप देख सकते हो, मस्त एरिया है, पहाड़ी वाला एरिया है और राइट साइड में होटल भी है, द पार्क होटल फेमस है यहाँ पे बेलापुर का, 3-स्टार होटल है, आपको इधर देखता रहेगा, दिखता रहेगा। तो
चलो यहाँ से थोड़ा आगे जाता हूँ, फिर देखते हैं नेक्स्ट बुकिंग कब मिलेगी और कहाँ की मिलेगी। और जैसे मैंने कहा था, दो पार्ट में बनाने वाला हूँ, दो से तीन पार्ट में। अभी ये पहला पार्ट चल रहा है, दूसरा पार्ट जल्दी लेके आऊँगा। जहाँ पे मैं रुक जाऊँगा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा मुझे, ऐसा समझेगा कि बाबा अभी मुझे बहुत देर तक बुकिंग नहीं मिल रही है, तो उसको एडिट करके फिर डाल दूंगा। तो आप देख लेना थोड़ी देर के बाद कब वीडियो आ जाएगा। ये साइड में गाड़ी लगा था, अच्छा छाव वाला एरिया मिला है, यहाँ पे गाड़ी लगा के वेट करता हूँ अगली बुकिंग का। तो जुड़े रहना मेरे साथ। पार्क होटल से अभी पनवेल के लिए बुकिंग लगी है, पनवेल के रेलवे स्टेशन लग रहा है मुझे, पार्क होटल के लिए है। एंट्री यहाँ से ही है, एंट्री कर लेते हैं। पार्क होटल के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पे पैसेंजर कहाँ पे खड़े हैं देखना पड़ेगा। यही है क्या, पता नहीं है, ये तो नहीं लग रहे हैं, दूसरे कोई रहेंगे, फोन करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अभी जैसे आपने देखा, मैंने पैसेंजर को न्यू पनवेल में ड्रॉप कर दिया डीमार्ट के यहाँ पे, और मैंने 12 किलोमीटर पैसेंजर को ड्रॉप किया है। और जाने के टाइम पे या पनवेल से जब बेलापुर ड्रॉप किया था, वो 11 किलोमीटर था, और आने के लिए 12 किलोमीटर ड्रॉप किया। तो ये 12 किलोमीटर के लिए मुझे है ना, मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा अमाउंट देंगे करके। तो 12 किलोमीटर के लिए मुझे 353 रुपये दिया गया है, और 12 किलोमीटर 353, मतलब समझिए इतना अच्छा मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। और दोपहर के 12 बजने आ चुके हैं, और जाते वक्त मुझे 11 किलोमीटर के लिए 262 रुपीज़ दिया गया है, मतलब एक किलोमीटर के लिए कम से कम 100 रुपया इन्होंने बढ़ा दिया। और बहुत ही अच्छा लगा कि दो ट्रिप में मेरे 616 रुपया हो गया है, और अभी तक दोपहर के 12 भी नहीं बजे, और सिर्फ मैंने 11 और 12 कितना किलोमीटर होता है, 23 किलोमीटर मैंने गाड़ी चला के 616 रुपये कमा लिए। तो देखते हैं, अभी पार्ट दूसरा आ जाएगा, 8 मिनट का वीडियो होगा, तो आपने देख लेना, और थोड़े टाइम में आपको अगले पार्ट में, सेकेंड पार्ट में आपको दिखेगा इसके अगले वाला वीडियो। तो मिलता हूँ आपको अगले डेस्टिनेशन पे, तब तक जुड़े रहना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।